मास्टर जी घर ही हो जी? बिस्मिल्लाह, लंघ आओ, बुआ खुला है, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी, की हाल चाल है? ठीक हो तुसी? जी मैं ठीक हाँ, आ जाओ, लंघ आओ, इधर आ जाओ, मजे ते आ जाओ। तुहाडा वो नौकर राशू कित्थे आ? वो नहीं नज़र आ रहा, कितने नूं बाहर तो नहीं जा घल्लिया? ओहो मलक साहब, तुहानूं कितनी बारी आखिया है राशू ना आखिया करो, ओहदा नाम राशिद अली है, तुसी क्यों ओहदा नाम बिगाड़ दे जे? ओ अच्छा जी, मेरा मतलब है तुहाडा नौकर इज्जत माब जनाब राशिद अली साहब कित्थे ने? मलक साहब, नौकर कहना जरूरी है। तो मास्टर जी नौकर नूं नौकर ही कहा जाता है ना, और इत्थे कोई अफसर लग्या होया है? नौकर नहीं, राशिद अली मेरा खिदमतगार है, बाकी कमाकारा की वंड है, वह भी साढ़े वर्गा रब का एक जी है। खैर छड्डो, तुसी बह क्यों नहीं जाते? ओ तुसी ओ अपने नौकर, मेरा मतलब है अपने निक्के भरा नूं आवाज़ मारो ना, वो मेरे लिए कोई कुर्सी लावे, मैं भला पेंट कोट पा के मंजे ते बैठा चंगा लगांगा? राशिद अली, ओ राशिद अली, इधर आ बच्चे, जरा मेरी गल सुन जा। जी मास्टर जी। ओ जी मास्टर जी, की हुंदा है? साहब जी आख्या कर। अच्छा जी ठीक है, अगे तो इंजी क्या करांगा, तुसी बह जाओ मलक साहब। ओ नहीं नहीं, तू मेरे लिए जाके कुर्सी लैके आ। जी हुणे लैके आया मलक साहब। ओ गल सुन, चंगी तरह चाड़ के कपड़ा मार के लियावी। अच्छा जी ठीक है मलक साहब। मलक साहब, ये राशिद अली जदों नवा नवा आया सी ना, मैनू साहब जी कहंदा सी, पर मैं इनू मना किया, मैनू साहब जी कहने की बजाय मास्टर जी कह लिया था। लो जी मलक साहब। जी मलक साहब, चाय पियोगे लस्सी? राशिद, मेरे कपड़े वेख के तेनू लगता है कि मैं लस्सी पीवांगा? ओ जा छेती नाल मेरे लिए चाह बना के लिया। लो जी, कपड़ियां दा भावें लस्सी नाल की तो लगा, मेरी दादी आखदी हुंदी सी कि लस्सी सेहत वास्ते बहुत चंगी चीज़ है। ओ लै हुण तू दसेंगा मैनू? ओ जा भज इत्थों ते अपनी दादी दियां गल्लां अपने कोल रख। ओ भला चाह दा ते लस्सी दा की मुकाबला? और चाह तो जिसम का सारा थकेवा ला देती है, तो ये लस्सी लस्सी पी लवो तो अख ही नहीं खुलती। राशिद, तू तो तेरी दादी ठीक कहते हो, पर पुत्र हुण चाह पीन का रिवाज बन गया, तो जा चाह बना लिया। तो गल सुन, एक दो कप वध बना लवी, हो सकता जमील साहब भी आ जावन। जी मास्टर जी। मास्टर जी होर दिओ, होर दिओ, इन्हां निक्कियां लोकां नूं इज्जत। वेखो ना अगे किवें टर टर करदा है। और मेरा नौकर बोले हाँ मेरे अगे, तो मैं तो दंद पाउंदा। ओहो गुस्सा ना करया करो मलक साहब, गुस्सा करन नाल ब्लड प्रेशर वध जांदा है। ओह हस लो मास्टर जी, हस लो तुसी। और चलो मैनू यह दसो, वो तुहानू जमील साहब दा फोन आया सी? नहीं, फोन तो नहीं आया, वावा दिन हो गए ने, पर मेरा दिल आखदा कि अज आउणगे। वैसे मास्टर जी, जमील साहब होरां नाल भी किड्डी माड़ी हुई है ना। एक उन्हां दा पुत्र जिहड़ा कमाऊ सी, वो अल्लाह नू प्यारा हो गया, तो दूजा नशे च लग गया। हुण मैं देखिया कि जमील साहब सारा सारा दिन होटल ते बैठे रहते हैं। बस जी मलक साहब, ये तो मुकदरा की खेड है, नहीं तो उन्होंने तो रब की खास मेहर सी। आहो जी मास्टर जी, पर तुसी मेरे हाल वेखो ना, मेरे दोवें पुत्र अमरीका हुंदे ने, ते उन्होंने मैनू एक वड्डा सारा घर लैके दिता होया, ते एक हिस्सा सी मेहमानां लई रखिया होया। मैनू मेरे पुत्र आंदे ने कि अब्बा जी तुसी हुण कोई काम नहीं करना, बस अपने यार दोस्त लभो तो उन्होंने दावत करते रहा करो। जी मलक साहब, रब सोना तुहानू होर देवे। पहला तुहाडे वालद साहब ने तुहानू कोई कामकार नहीं करन दिता, फिर वड्डे भाईए ने मौज लवाई रखी, ते हुण माशाअल्लाह। मास्टर जी, तुहाडे कहण दा की मकसद है कि मैं वेला नकम्मा वां? नहीं नहीं मलक साहब, मैं ते रब सोने दी वंड दी गल कर रहा वां। इहो दा निज़ाम है, ते ओही जाणदा है। कुछ लोग सारी हयाती मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, पर उन्होंने अखीर तो उन्होंने हथा पैरों छालियां तो अड कुछ नहीं होता। तो कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, तो रब उन्होंने मौजा लवाई रखता है। तुहानू याद है साढ़े पिंड एक बाबा रहमता हुंदा सी? जी जी। उस 14 धीआं विआहियां सन, पर जदों सुख का वेला आया तो वह आप चलाना कर गए। वेख लो मास्टर जी, हाले तक राशिद अली चाह नहीं जे लैके आया, मैं फिर जावां? और नहीं नहीं मलक साहब बैठो, असल च राशिद अली का कसूर नहीं, दुध आला 2-3 दिन तो नहीं आ रहा, बस वो दुध लैन गया होना, तो हुणे आ जाता है। वैसे मास्टर जी, अज खैर है ना, ए बाबे रां दी फोटो अज बड़ी लिशका पई मारदी। बाबे दी मलक साहब इंज ते ना आखो, बानिए पाकिस्तान कह लो या बाबा कौम कह लो, वैसे तो उन्होंने किड्डा सोहना ना है मुहम्मद अली जना। वैसे एक गल है मास्टर जी कि फोटो लिशका के घर च दफ्तर चलाने का की फायदा। बाबे की फोटो तो नोटा के उत्ते भी है, तो तुसा देखिया होना है कि उन्होंने फोटो किमें नचन वालिया के पैरों थले रुलती होंगी। जी मलक साहब तुसी भी ठीक कह रहे हो, पर वो चंद लोगों की सोच है जिहड़ी हौली हौली हुण बदल रही है। बाकी इस तस्वीर को घरां ते दफ्तरां चलाउण दा इह मकसद है कि असी कोई भी गलत काम करन लगिए, रिश्वत देन लगिए या रिश्वत लैन लगिए, तो यह तस्वीर सानूं साडा मकसद नहीं भुल्लण दिंदी। सानूं याद करांदी है कि यह मुल्क असी इसलिए आज़ाद नहीं सी करवाया। बाकी कितना भी औखा वेला क्यों ना होवे, हर काम मेहनत ते लगन नाल कीता जा सकता है। तो बानीए पाकिस्तान ने भी यह मुल्क इसलिए आज़ाद करवाया सी कि असी ईमानदारी दे नाल अपने काम करिए। जहांगीर साहब लगता है जमील साहब आ गए। लंघ आओ, बुआ खुला ही है। अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो अरसलान, आओ लंघ आओ बैठो। जहांगीर साहब ये मेरा शागिर्द है अरसलान, किन्ने वरे हो गए ने मेरे को पढ़िया सी, ते अज भी माशाल्लाह कदे कदे खैर खबर लैन आ जाता है। माशाल्लाह एमफिल कर लिया सू ते आप भी हुण मास्टर लग गया। अच्छा माशाल्लाह 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 जी। बस जी ये माँ प्यो की दुआवां ते मास्टर जी की थापी की वजह तो है जी कि मैं इस काबिल हाँ। लो जी फिर तुसी हुण गपशप लाओ तो मैं फिर हुण चलना वा। ओ बैठो मलक साहब, क्यों काले पैंदे हो पे, बैठ जाओ। राशिद अली, ओ राशिद अली आ गया जी, आ गया। ए लो गर्मा गर्म चाय। ए लो जी मलक साहब, माफ़ी चाहना मैं दुध लैन टुर गया से इसलिए लेट हो गया। अरसलान खबरां दी सुनाओ यार, की नवीं ताज़ियां ने, कोई नवीं खबर ले आया? बस मास्टर जी खबरां ते चंगियां कोई नहीं, हर पासे करोना ही करोना है, ते करोना ने तबाही मचाई हुई है, ते नाले कश्मीर दे विच हिंदुस्तानी फौज दा जुल्म वधदा जा रहा है, ते उधर मोदी साहब ने उन्हें हिंदुस्तान के मुसलमानों की हयाती में तंग किया होया। बस खबरों का की दसीए, खबरां वेख के ते मास्टर जी यकीन करो दिल रोंदा है, दिल रोंदा है इहो खबरां सुन के। पर की वेखना हुण मास्टर साहब ना कोई नवीं गल सुनाणगे, पर यह कि जबान चों शुक्र का कलमा निकलता है तो दिल चों एक नारा उठता जे, कायदे आजम जिंदाबाद हैं। शुक्र पर वो किवें मास्टर जी? आहो शुक्र मलक साहब, तो शुक्र इस गल दा कि अज सानू पूरी आज़ादी हासिल है, तो मोदी जे जालमां दा कोई डर खौफ नहीं। कायदे आज़म तो उन्होंने बेली ये गल जान गए सन कि अंग्रेज़ों तो आज़ादी हासिल करन तो बाद भी असी आज़ाद नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने जान तो बाद हिंदू बड़े सगीर ते अपने कब्जे का ख्वाब देख रहे सन। ये मुल्क कायद का एक एहसान है, तो गैरतमंद कौम कभी अपने लीडर का एहसान नहीं भूलती। जी ये गल तो ठीक है मास्टर जी। लो लो हुण मैनू इजाजत दो, क्योंकि ना क्रिसमस का करके ईसाइयां ने ना बाज़ारां च रश किया होया, ये चंगी मुसीबत है। कल मेरी बेटी का जन्म दिहाड़ है, तो हुण केक वास्ते बेकरियां तो खजल होना पैना यार। जहांगीर इंज दियां गल्लां ना करो, ईसाई भी साढ़े जिन्ने पाकिस्तानी ने, इस मुल्क ते उन्हां दा भी उन्ना ही हक है जिन्ना हक साडा है। कायद ने जदों पाकिस्तान बनाया सी ते उन्हां दे वड वडेरे भी साडे वड वडेरियां दे नाल हिजरत करके हिंदुस्तान छड्ड के आए सन, ते हिजरत दी सब तो वड्डी वजह भी यही सी कि असी अपने हकूक वास्ते लड़ रहे सां। असी कायद जानते सन कि हिंदुस्तान विच साडे हकूक जिहड़े ने वह महफूज नहीं, तो सानू मजहबी आज़ादी हासिल नहीं, तो जे असी ये गल अज करांगे तो फिर मुल्क बनाउण दा फायदा। जी मास्टर जी तुसी ठीक कहंदे, मैं ही गलत सा, मैं कभी इस तरीके नाल सोचिया ही नहीं सी। लो मास्टर जी मैं अज तो साइयां बल्कि किसी भी मजहब के लोगों के बारे गल नहीं जे करन लगा, ये तुहाडा मेरा वादा जी। जी मलिक साहब बहुत वधिया। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि ਜਦੋਂ भी ईद ਆਂਦੀ है ना जी, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਈਸਾਈ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਈਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਵੇਖਿਆ ਬਾਨੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਕਮਾਲ। यार अरसलान जी मास्टर, अज लगता कि राशिद ने ना मलिक साहब दियां झाड़ां तो तंग आके या डर के ते चाह कौड़ी कर छड़ी। हुण तू कुछ सुना ते साडे कान मिठे कर दे। लो जी मलिक साहब, एक गल तो मैं दसना ही भुल गया कि अरसलान माशाल्लाह शेर भी कहंदा जे, उत्तों है भी सुरीला। ए हशर ते ना हुंदा है, हशर ते ना हुंदा, अज असी ना किर दे जे होर जिना हुंदा। अज असी ना किर दे जे होर जिना हुंदा, उन्हें रस्ता आसान किता है, उन्हें रस्ता आसान किता। कायद आज़म ने अकली तनुमान दिता, वो कायद आज़म ने अकली तनुमान दिता। रल रहन सिखाया है, रल रहन सिखाया है, वो चतर मकारा तो हक लेके वहाया है। हो चतर मकारा तो हक लेके वहाया है।